इस वीडियो में आपको क्लास इलेवंथ फिजिक्स सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो हमें यूट्यूब चैनल एम एस एजुकेशन टी के ऊपर जाके देख सकते हैं यदि आपको पी डाउनलोड करनी है तो इस कोणी में आपको वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं मैक्सिमम मार्क सेवनटी टाइम थ्री आवर्स नीचे आप पे जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए इसमें फर्स्ट पॉइंट है इस पेपर के अंदर टोटल थर्टी फाइव क्वेश्चन हैं और सभी क्वेश्चन कंपलसरी हैं सेकंड पॉइंट है इस पेपर में आपको पांच सेक्शन देखने को मिलेंगे ए बी सी डी और ई e, और सभी सेक्शन जो हैं ये कंपलसरी हैं सेक्शन ए के अंदर टोटल एटीन क्वेश्चन है वन मार्क्स के सेक्शन बी के अंदर सेवन क्वेश्चन हैं टू मार्क्स के सेक्शन सी के अंदर फाइव क्वेश्चन हैं थ्री मार्क्स के सेक्शन डी के अंदर थ्री लॉन्ग क्वेश्चन हैं फाइव मार्क्स के और सेक्शन ई e के अंदर टू के स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हैं ये आपके फोर मार्क्स के नीचे यहाँ पे बताया गया है कि देर इज नो ओवरऑल चॉइस ओवरऑल चॉइस आपको देखने को नहीं मिलेगी लेकिन सेक्शन बी सी डी और ई e के अंदर जो है आपको यहाँ पे इंटरनल चॉइस दी गई इंटरनल चॉइस का मतलब क्या होता है एक क्वेश्चन दिया होगा उसी के ओर में एक क्वेश्चन और दिया होगा दोनों में से आपको एक करना है और लास्ट में यहाँ पे बताया गया है कि यूज ऑफ कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड और कैलकुलेटर का यूज करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है सबसे पहले देखिए यहाँ पे सेक्शन ए फर्स्ट क्वेश्चन ए कार एक्सलेटेड फ्रॉम रेस्ट एट टू मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर हाउ फार विल इट ट्रेवल इन फाइव सेकेंड एक कार विश्राम से दो मीटर पर सेकेंड के तवरण के साथ गति करती है यह पाँच सेकेंड में कितनी दूर दूरी तय करेगी तो यहाँ पे डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र अब ये जो है कहाँ से स्टार्ट हो रही है रेस्ट से तो इसका मतलब जो इनिशियल वेलो है ज़ीरो हो जाएगी जीरो मल्टीप्लाई में टाइम है पाँच सेकेंड प्लस में हाफ इंटू एक्सलेशन एक्सेलेशन अपने पास दे रखिए टू इंटू टाइम का स्क्यर यानी कि फाइव का स्क्वेयर फाइव की जब जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो आ जाएगा टू से टू काट देंगे प्लस में फाइव का स्क्वेयर यानी कि ट्वेंटी फाइव पच्चीस मीटर यहाँ पे क्या आ जाएगी डिस्टेंस तो क्वेश्चन फर्स्ट का राइट right आंसर हो जाएगा यहाँ पे अपना सेकेंड ऑप्शन ट्वेंटी फाइव मीटर सेकेंड क्वेश्चन ए पार्टिकल कंप्लीट सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल विल बी यानी कि एक कण जिसकी तिरजा जो है आर है ये वृत्त के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट ये आपको बताना है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए कोई पॉइंट कहीं से स्टार्ट हो रहा है और घूम के जब वापस उधर ही आ जाता है तो उसके जो द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट जो की जाती है वो होती है जीरो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट तो यहाँ पे क्या हो जाएगी जीरो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे अपना राइट अगर अपने पास डिस्टेंस पूछते तो अपने पास जो आंसर होता है टू पाईआर टू पाईआर कब होता है जब डिस्टेंस पूछते यहां पे डिस्प्लेसमेंट पूछी है तो इसमें जो राइट right आंसर हो जाएगा अपना फोर्थ ऑप्शन नेक्स्ट देखिए यहां पे क्वेश्चन थ्री क्वेश्चन ऊपर जो हिंदी में दिया गया है नीचे देखिए यहां पे इंग्लिश में है क्वेश्चन थ्री द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच ए प्रोजेक्टाइल कवर्स द सेम ओरिजेंटल रेंज आर 30 डिग्री एंड तो यहां पे जो एंगल का सम होगा ये 90 डिग्री हो जाएगा तो एक एंगल 30 डिग्री दे रखा है तो जो दूसरा एंगल हो जाएगा अपने पास सिक्सटी डिग्री हो जाएगा तो सेकेंड क्वेश्चन जो थर्ड क्वेश्चन इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन सिक्सटी डिग्री क्वेश्चन फोर इफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए बॉडी इज जीरो यदि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो एक्सेलेशन क्या होगी तो फोर्स का फार्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन तो यहाँ पे एक्सेलेशन का फॉर्मूला हो जाएगा फोर्स अपॉन में मास फोर्स अपॉन में मास यहां पे जो फोर्स ये जीरो दे रखा है तो जीरो अपॉन में एम यानी कि एक्सेलेशन क्या होगी जीरो फोर्थ क्वेश्चन का राइट right आंसर हो जाएगा जीरो फोर्थ ऑप्शन क्वेश्चन फाइव ए फाइव के जी ब्लॉक इज पुल्ड ओवर ए सरफेस विद ए फ्रिक्शन कोफिशियंट इज जीरो पॉइंट टू यहाँ पे जीरो पॉइंट टू है याद रखना जीरो पॉइंट टू विद ए फोर्स ऑफ टेन न्यूटन कैलकुलेट द फ्रिक्शन फोर्स फ्रिक्शन फोर्स निकालना है तो आपको याद रखना है जो एन होता है यानी कि नॉर्मल फोर्स ही होता है एम जी और जब फ्रिक्शन फोर्स निकालते हैं यहां पे मैं लिख देता हूं फ्रिक्शन फोर्स तो ये होता है म्यू mu मल्टीप्लाई में एन एन का मतलब है नॉर्मल फोर्स तो नॉर्मल फोर्स है एन जी म्यू की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है जीरो पॉइंट टू मास यहां पे जो है ये है फाइव के जी और मल्टीप्लाई में जी की वैल्यू जब जी की वैल्यू नहीं दी तो यहाँ पे जी की वैल्यू हमें लिखना पड़ेगा टेन जी क्या होता है एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैसे जी की वैल्यू नाइन पॉइंट एट तब लेनी है जब यहाँ पे दे रखा हो यहां पे दे नहीं रखा तो यहाँ पे जो जी की वैल्यू हम टेन लेंगे जब इसको सोल्व करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा टेन न्यूटन यानी कि जो फ्रिक्शन फोर्स होगा ये हो जाएगा टेन न्यूटन क्वेश्चन फाइव राइट आंसर थर्ड ऑप्शन टेन न्यूटन नेक्स्ट है क्वेश्चन सिक्स ऊपर हिंदी में दिया गया नीचे इंग्लिश में व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए टू के जी ऑब्जेक्ट मूविंग एट ए वेलोसिटी ऑफ थ्री मीटर पर सेकंड यहाँ पे आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है यदि ऑब्जेक्ट का मास दे रखा है और वेलोसिटी दे रखी है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर तो वन बाई टू मास है अपने पास टू के जी मल्टीप्लाई वी स्क्र यानी कि थ्री का स्क्वायर टू से टू को काट देंगे थ्री का स्क्वायर होता है नाइन तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी नाइन जूल नाइन जूल क्वेश्चन सिक्स का राइट right आंसर हो जाएगा अपना सेकेंड ऑप्शन क्वेश्चन सेवन वेन ए कंजर्वेटिव फोर्स डज पॉजिटिव वर्क ऑन ए बॉडी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी यानी कि जब कोई संरक्षित बल किसी वस्तु पर धनात्मक कार्य करता है तो वस्तु की जो स्थिति ऊर्जा होगी वो क्या हो जाएगी डिक्रीज यानी कि घटती है सेकंड ऑप्शन राइट क्वेश्चन एट वैल्यू ऑफ एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद इंक्रीज डेप्थ फ्रॉम अर्थ सरफेस यानी कि जब हम पृथ्वी की गहराई में जाते हैं तो एक्सलेशन जो होती है वो क्या हो जाती है डिक्रीज सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे अपना राइट right. आपको बताना है पृथ्वी के ऊपर यदि जो फोर्स है सिक्सटी न्यूटन है अर्थ के ऊपर अर्थ के ऊपर वेट है सिक्सटी न्यूटन आपको बताना है जो वेट होगा मून के ऊपर क्या होगा इसका आंसर आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं मून के ऊपर क्या हो जाएगा वेट क्वेश्चन नाइन अकॉर्डिंग टू कैपलर्जला लॉ ऑफ पीरियड यहाँ पे टाइम की वैल्यू बतानी है यानी कि टाइम किसके बराबर होगा तो अगर आप सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि सेकंड ऑप्शन सही है लेकिन आपको याद रखना कि जो टी स्केयर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर क्यूब के तो सेकंड वाला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया अब आप, आप मैं आप, आपको बता देता हूँ जब कोई नंबर लेफ्ट में जब स्केयर में होता है तो आगे जाके स्केयर रूट हो जाता है तो ये जो टी स्केयर है जब ये आगे जाएगा तो टी की पावर वन बाई टू यानी कि आर की पावर क्या हो जाएगा वन बाई टू एक तरीके से आर की पावर वन बाई टू अब इसको सोल्व कर लेते हैं देखिए आगे जाके वन बाई टू हो जाएगा यानी कि टू नीचे चला जाएगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर की पावर थ्री बाई टू यह राइट आंसर हो जाएगा अपना फोर्थ ऑप्शन क्वेश्चन टेन वैल्यू ऑफ एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सेंटर ऑफ अर्थ यानी कि जो अर्थ का सेंटर है उसके ऊपर आपको बताना है एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी तो ये हो जाएगी जीरो सेंटर के ऊपर क्या रहेगी जीरो क्वेश्चन इलेवन रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज कॉल्ड तो इसको हम बोलते हैं बल्क मॉडुलस इसका याद रखना इसका नाम होता है बल्क मोडुलस क्वेश्चन ट्वेल्व डैश ला स्टेट दैट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तो स्ट्रेन यानी कि कौन सा नियम हमें प्रतिबल विकृत के सीधे अनुपाती है तो इसको बोलते हैं हुक्सला याद रखना क्वेश्चन थर्टीन थर्टीन का एक लिक्विड फ्लोस थ्रो टू कैपिलरी ट्यूब कनेक्टेड इन सीरीज देयर लेंथ आर एल एंड टू एल एंड रेडिया वट इज द रेशियो ऑफ प्रेशर डिफरेंस एक्रॉस द फर्स्ट एंड सेकेंड ट्यूब यहाँ पे प्रेशर का जो रेशियो बताना है क्या होगा तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए जो रेट ऑफ फ्लो होगा ए यानी कि अगर एक ट्यूब को ए मान लिया दूसरी को बी मान लिया तो दोनों क्या रहेंगे बराबर तो यहाँ पे फॉर्मूला आता है पाई प्रेशर ए रेडियस की पावर फोर डिवाइड में हो जाएगा एट और ये जो सिंबल होगा ये जो आपको सिंबल जो मैंने अभी बनाया है इसको बोलते हैं नीटा नीटा और नीचे एल ए इज इक्वल टू पाई पी बी रेडियस यहाँ पे आर बी आर बी की पावर फोर नीचे एट और इसको जो बोलेंगे नीटा एल टू एल टू लिख दो यहाँ पे हमने जो क्या ले लिया एल बी तो इसका मतलब यहाँ पे जो पी ए का रेशो पी बी के साथ ये हो जाएगा एल ए अपोन में एल बी और मल्टीप्लाई में हो जाएगा आर बी अपोन आर ए और इसकी पावर फोर अब यहाँ पे लेंथ जो है डबल दे रखी है यानी कि एल बी जो है पहली वाली की डबल है तो इसका मतलब एल ए अपोन एल बी वन बाई टू है रेडियस डबल है यानी कि टू बाई वन और इसकी पावर फोर वन बाई टू फोर टू टू की पावर फोर का मतलब होता है सिक्सटीन जब इसको काटेंगे तो एट एट अपॉन में वन यानि कि एट रेशियो वन तो जो प्रेशर होगा यह आ जाएगा अपने पास एट रेशियो वन फर्स्ट ट्यूब यानी कि यहाँ पे जो प्रेशर होगा फर्स्ट ट्यूब इसका रेशियो पी ट्यूब सेकेंड ट्यूब के साथ हो जाएगा एट रेशियो वन क्वेश्चन फोर्टीन वट इज ऐसा यूनिट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन यहाँ पे आपको जो है ऐसा SI यूनिट बतानी है तो ऐसा SI यूनिट होती है जूल पर के जी शॉर्टकट में इसको आप जे पर के जी भी आप लिख सकते हैं आपको जो है यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बतानी है मोमेंटम की ऐसा यूनिट क्या होगी मोमेंटम की ऐसा यूनिट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे नॉर्मल साइ क्वेश्चन है क्वेश्चन फिफ्टीन राइट रिलेशन बिटवीन कोफिशेंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एंड कोफिशेंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ ए सॉलिड यहाँ पे ये अल्फा दे रखा है और ये दे रखा अपने पास गामा तो याद रखना जो गामा होगा ये इक्वल टू हो जाएगा थ्री मल्टीप्लाई में अल्फा यानी कि अल्फा का थ्री टाइम्स क्वेश्चन सिक्सटीन ये अपना असरसन रीजन बेस्ड क्वेश्चन दे रखा है ऊपर हिंदी में दिया गया नीचे इंग्लिश में तो पहले देखिए इंग्लिश में पढ़ लेते हैं हम इसको रिज असरसन है कि जीरो थ्ला ऑफ थर्मोडाइनमिक गिव एस द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी यानी कि जो जीरो थ्ला होता है ये जो थर्मोडाइनेमिक्स का जीरो थ्ला होता है ये कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी है तो कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी नहीं होता ये होता है कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर कॉन्सेप्ट ऑफ ए टेम्परेचर तो पहली जो स्टेटमेंट है ये अपनी फॉल्स हो गई पहली जो स्टेटमेंट है क्या होगी फॉल्स दूसरा है इंटरनल एनर्जी इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर यानी कि जो इंटरनल एनर्जी है ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है तो सेकेंड स्टेटमेंट क्या है अपनी ट्रू पहली फॉल्स दूसरी ट्रू अब यहाँ पे देखिए वैसे तो फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए सभी ऑप्शन क्या हो जाएंगे यहाँ पे अपने गलत क्योंकि पहले जो है असरसन अपना क्या है फॉल्स है और रीजन अपना क्या है ट्रू कौन सा भी ऑप्शन सही नहीं है अगर यहां पे फॉल्स की जगह अपने पास ट्रू होता है तो हम जो है फोर्थ ऑप्शन को राइट मानते फॉल्स रीजन ट्रू क्वेश्चन मानतेवेटीन यहाँ पे ऊपर हिंदी में दिया गया नीचे देखिए इंग्लिश में असरसन है ऑल स्मॉल ऑसिलेशन आर सिंपल और मोनिक इन नेचर तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है ये क्या रहेगी अपनी फॉल्स सभी नहीं होती रीजन दे रखा कि ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम आर ऑलवेज सिंपल हॉर्मोनिक वेदर एम्पलीट्यूड इज स्मॉल और लार्ज सेकंड जो ऑप्शन है ये भी क्या हो जाएगा अपना फॉल्स दोनों स्टेटमेंट गलत है तो इसमें फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा सरसन इज फॉल्स एंड रीजन इज आल्सो फॉल्स क्वेश्चन एटीन ऊपर हिंदी में दे रखा नीचे देखिए यहाँ पे एटीन में है सरसन है कि एन ऑसिलेस्ट्री मोशन इज नेसेसरली पीरियोडिक तो पहली स्टेटमेंट क्या होगी फॉल्स रीजन दे रखा है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ऑसिलेटरी सेकेंड जो स्टेटमेंट है यह क्या ट्रू पहली फॉल्स है दूसरी ट्रू है तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा ये भी अपना कौन सा नहीं होगा क्योंकि यहां पे क्या होना चाहिए ट्रू तो अब हम इसको फोर्थ ऑप्शन बोल देते कि एसरसन तो क्या है अपना फॉल्स है गलत है लेकिन जो रीजन है ये क्या अपना ट्रू आगे चलते देखिए सेक्शन बी सेक्शन बी में है द डिसमेंट एक्स ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन यहाँ पर डिसप्लेसमेंट दे रखी है एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी टी माइनस मी सी टी स्क्वेयर वेयर टी जो है ये क्या है टाइम है सेकेंड के अंदर डिस्प्लेसमेंट एक्स ये मीटर के अंदर है आपको ए और बी के डायमेंशन बताने हैं देखिए सी के नहीं पूछे इसने ए और बी के पूछे तो आपको ए और बी के बताने हैं तो आपको याद रखना देखिए अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ ओमोजेनि जेनेटी जी यानी कि जो एक्स होगा ये बराबर हो जाएगा किसके ए यानी कि एल ए की वेलवेल -वेल, अगर बात करें यहाँ पर दूसरे की तो x इज इक्वल टू दूसरा जो होगा ये हो जाएगा अपना x इज इक्वल टू बी टी और ये भी क्या होगा l हमें b की वैल्यू निकालनी है तो ये t जो है आगे जाके इसको डिवाइड करेगा यानी कि l t माइनस वन तो हमसे इसने a की पूछी थी a की तो आ गई l और यहां पे b की आएगी l t माइनस वन अगर c की पूछते हैं तो c की भी हम जो इसी प्रकार निकाल लेते हैं आगे चलते हैं क्वेश्चन ट्वेंटी यहां पे ट्वेंटी का क्वेश्चन दिया गया है ए कैलोरी इज ए यूनिट ऑफ हीट एंड इट्स इक्वल टू फोर पॉइंट टू जूल वन जूल की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है। सपोज वी एम्प्लॉय ए सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच द यूनिट ऑफ मास इक्वल टू एल्फा के जी द यूनिट ऑफ लेंथ ऑफ इक्वल बिट्टा एम एंड यूनिट ऑफ टाइम इज गामा शो दैट कैलोरीज हैज ए मैग्नीट्यूड यहाँ पे आपको जो इसको प्रूव करना है तो आपको याद रखना पड़ेगा जो एन वन इक जो एन वन है एन वन यू वन इक्वल टू होगा एन टू यू टू हमें एन टू की वैल्यू निकालनी है तो एन टू इक्वल टू हो जाएगा एन वन एन वन और मल्टीप्लाई में यू वन अपॉन में यू टू यू वन अपॉन में यू टू अब इसको देखिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ थोड़ा सा इसको लेफ्ट में कर लेता हूँ देखिए एन टू इज इक्वल टू एन वन यू वन में यू टू अब एन वन तो सेम रहेगा ऊपर जो डायमेंशन हो जाएंगे एम वन एल वन बी टी वन सी ये ऊपर वाले के आ जाएंगे नीचे जो होगा ये हो जाएगा एम टू एल टू बी और टी टू सी ये नीचे वाले के डायमेंशन हो जाएंगे अब इसको जब अलग अलग करेंगे तो देखिए नीचे जब जब पावर सेम होती है तो उसको हम एक साथ लिख सकते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं एन टू इज इक्वल टू एन वन एम वन अपोन में एम टू और इसकी पावर ए दूसरा जो है यहाँ पे एल वन अपोन में एल टू इसकी पावर बी और लास्ट में टी वन अपोन में टी टू इसकी पावर सी अब ऐसा सही यूनिट जो न्यू सिस्टम है इसमें एन वन की वैल्यू दे रखी फोर पॉइंट टू यहाँ पर जो एन वन है इसकी वैल्यू है फोर पॉइंट टू एन टू की निकालने तो मास यहाँ पे वन के जी है एम वन आपका वन के जी रहेगा एम टू एल्फा के जी एल वन वन मीटर एल टू बीटा टी वन वन सेकेंड टी टू और यहाँ पे जो अपने पास एन की वैल्यू है ये है फोर पॉइंट टू और इसको जब जूल में ये जो है फोर पॉइंट टू क्या है जूल में है अगर इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा फोर पॉइंट टू के जी मीटर स्क्वेयर सेकेंड स्क्र यूनिवर्ट अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेता हूँ मैं देखिए क्वेश्चन ट्वेंटी एन टू इज इक्वल टू हो जाएगा किसके फोर पॉइंट टू इन टू ऊपर वन के जी नीचे एल्फा नीचे हो जाएगा आपका एल्फा इसी प्रकार इसकी पावर कितनी है अपने पास वन आगे जो दूसरा है यहाँ पे वन मीटर आप उनमें में नीचे क्या है बीटा और इसकी पावर हो जाएगी टू आगे है वन सेकेंड वन सेकेंड डिवाइड में गामा और इसकी पावर है यहाँ पे माइनस टू यहाँ पे क्या हो जाएगी माइनस टू अब यहाँ पे जब सोल्व करेंगे तो यह आएगा फोर पॉइंट टू एल्फा की पावर यहाँ पे जो अल्फा की पावर क्या हो जाएगी माइनस वन बीटा की पावर हो जाएगी माइनस टू और जो गामा है इसकी पावर हो जाएगी प्लस टू क्योंकि नीचे गामा है ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का यही हमें क्या करना था प्रो क्वेश्चन ट्वेंटी वन यहाँ पे फोर्स दे रखा है डिस्प्लेसमेंट दे रखी है आपको क्या निकालना है यहाँ पे वर्क डन निकालना है तो वर्क डन होता है फोर्स मल्टीप्लाई फोर्स मल्टीप्लाई में डिस्प्लेसमेंट अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए तीन की मल्टीप्लाई सबसे पहले पाँच से करेंगे तो अपने पास आ जाएगा फिफ्टीन प्लस में फोर की मल्टीप्लाई फोर से करेंगे यहाँ पे आएगा सिक्सटीन और प्लस में फाइव फाइव की मल्टीप्लाई थ्री से करेंगे फिफ्टीन जब इनको ऐड करेंगे जब यहाँ पे लास्ट में फिफ्टीन को फिफ्टीन से ऐड करेंगे कितना आ जाएगा अपना थर्टी थर्टीन में थर्टी में सिक्सटी ऐड करेंगे तो फोर्टी सिक्स जूल यहाँ पे क्या आ जाएगा राइट आंसर इसी में पार्ट है राइट रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन आंसर इफ ए लाइट एंड ए हैवी बॉडी हैव द सेम मोमेंटम देन विच बॉडी विल मोर काइनेटिक एनर्जी तो सबसे पहले अगर हम बात करें मोमेंटम पी यानी कि रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम तो ये हो जाएगा टू एम ई और इसका स्केयर रूट काइनेटिक एनर्जी ऑफ लाइटर बॉडी विल भी ग्रेटर यानी कि जो लाइटर बॉडी होगी हल्की बॉडी होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी ज़्यादा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मास की काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगी यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास इसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट है क्वेश्चन ट्वेंटी टू वाट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है तो इसमें जो आप बुक का सारा ले सकते हैं इसी के ओर में है कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ इलास्टिक कोलिजन यहाँ पे बतानी है कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वैल्युस्टी ऑफ सेपरेशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वैल्युस्टी ऑफ अप्रोच और इलास्टिक जो कोलिजन होगा इसमें यहाँ पे जो वैल्यू होगी ई की वैल्यू क्या रहेगी वन ई की जो वैल्यू होगी यहाँ पे क्या रहेगी वन क्वेश्चन ट्वेंटी थ्री ए हाइड्रोलिक ऑटोमोबाइल लिफ्ट इज डिजाइन टू लिफ्ट ए कार्स विद मैक्सिमम मास थ्री थाउजेंड के जी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पिस्टन कैरिंग द लोड फोर टू फाइव सेंटीमीटर स्क्वेयर वट मैक्सिमम प्रेशर वुड बी स्मॉलर पिस्टन हैव टू बीयर तो यहाँ पे जो है मास आपको जो है वैल्यू बताने से क्या होगी तो फार्मूला आपको याद रखना है जो फॉर्मूला होगा पहले सबसे पहले देखिए फोर्स फोर्स हो जाएगा एम जी यानी कि थ्री थाउजेंड मल्टीप्लाई में नाइन पॉइंट एट इसकी जो मल्टीप्लाई करेंगे तो टू नाइन फोर डबल जीरो न्यूटन अपने पास जो एरिया है ये है फोर टू फाइव सेंटीमीटर स्क्वेयर जब इसको मीटर में बदलेंगे तो ये आएगा फोर टू फाइव टेन रेज टू पावर माइनस फोर मीटर स्क्वेयर अब हमें प्रेशर की वैल्यू निकालनी है पी क्या हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया फोर्स अपॉन एरिया फोर सेट टू नाइन फोर डबल जीरो डिवाइड में फोर टू फाइव मल्टीप्लाई में टेन रेज टू पावर माइनस फोर टेन रेज टू पावर माइनस फोर इसको जब सोल्व करेंगे तो यह आएगा सिक्स पॉइंट नाइन मल्टीप्लाई में टेन रेज टू पावर फाइव सिक्स पॉइंट नाइन मल्टीप्लाई में टेन रेज टू पावर फाइव पास्कल कल पी ए क्वेश्चन ट्वेंटी फोर एस्टिमेट द एवरेज थर्मल एनर्जी ऑफ ए हीलियम एटम एट रूम टेम्परेचर ट्वेंटी सेवन डिग्री सेल्सियस यानी कि यहाँ पे दे रखा है सताइस डिग्री सेल्सियस तो सबसे पहले देखिए क्या होता है दो सौ तिहत्तर होता है जब इसको कन्वर्ट करेंगे किस में कैलविन में तो कैल्विन में ये हो जाएगा अपने पास थ्री हंड्रेड कैल्विन जो थर्मल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है ये होता है थ्री बाई टू के टी थ्री बाई टू के टी के की वैल्यू आपको पता नहीं के का मतलब होता है बोल्डमैन कॉन्स्टेंट बोल्डजमैन कॉन्स्टेंट इसकी वैल्यू होती है वन पॉइंट थ्री इंटू टेन रेज टू पावर माइनस ट्वेंटी थ्री मल्टीप्लाई में और यहाँ पे अपने पास जो है टेम्परेचर है थ्री हंड्रेड यानी कि थ्री बाई टू मल्टीप्लाई में वन पॉइंट थ्री एट मल्टीप्लाई टेन रेज टू पावर माइनस ट्वेंटी थ्री मल्टीप्लाई में थ्री हंड्रेड जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा सिक्स पॉइंट टू वन मल्टीप्लाई में टेन रेज टू पावर माइनस ट्वेंटी वन जूल ये अपना क्या जाएगा एवरेज थर्मल एनर्जी। क्वेश्चन ट्वेंटी फाइव द स्टील वायर स्टील वायर दे रखा जीरो पॉइंट फाइव जीरो यानी कि पॉइंट फाइव जीरो मीटर इसका मास दे रखा है यहाँ पे वायर जो है वायर के ऊपर टेंशन दे रखी है स्पीड बतानी है ट्रांसवर्स वेव्स ऑन द वायर तो यहाँ पे देखिए टी की वैल्यू है एटी न्यूटन टेंशन लेंथ अपने पास है जीरो पॉइंट फाइव जीरो मीटर मास दे रखा है फोर इंटू टेन टू पावर माइनस थ्री के जी अब यहाँ पे जो है क्या करना है वी की जो वैल्यू होगी ये हो जाएगा टी अपॉन में म्यू टी में म्यू और आपको याद रखना है जो म्यू है इसका मतलब क्या है एम में एल तो इसको सोल्व करेंगे तो टी म्यू एम में एल है तो एल ऊपर चला जाएगा एम नीचे आ जाएगा एल में एम हो जाएगा और इसका स्क्यर रूट अब वैल्यू पुट करें हैं टी की वैल्यू है एट्टी मल्टीप्लाई में एल की वैल्यू है जीरो पॉइंट फाइव जीरो डिवाइड में एम की वैल्यू है फोर मल्टीप्लाई में टेन एस टू पावर माइनस थ्री और इस पूरे का स्क्यर रूट अब इसको सोल्व करेंगे देखिए एट्टी मल्टीप्लाई में फिफ्टी का नीचे डेसिमल हटाएंगे ता, तो हंड्रेड आएगा और टेन की पावर माइनस थ्री ऊपर जाएगा तो प्लस थ्री हो जाएगा नीचे आज रहेगा अपना फोर अब देखिए फिफ्टी से हंड्रेड को काटेंगे टू पे कटेगा टू से एट्टी को काटेंगे ये कट जाएगा अपना फोर्टी पे फोर से इसको काटेंगे फोर्टी को टेन पे तो ऊपर तो आ जाएगा टेन एज टू पावर फोर और इसका स्केयर रूट और इसका स्केयर रूट होता है टेन का स्क्केयर यानी कि हंड्रेड मीटर पर सेकेंड ये क्या रहेगा अपना वेलोसिटी नेक्स्ट है सेक्शन सी सेक्शन सी स्टार्ट हो गया इसमें देखिए क्वेश्चन ट्वेंटी सिक्स एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इध ए कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन यहां पे सबसे पहले ड्रा करना टाइम एक्सेलरेशन फिर करना है टाइम वेलोसिटी और लास्ट में टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे टाइम एक्सेलेशन ग्राफ तो ये टाइम एक्सेलेशन ग्राफ इस टाइप से बनेगा इसमें जो नीचे होगा ये आपका टाइम रहेगा यहाँ पे जो ऊपर की साइड जा रहा है इसमें एक्सेलेशन रहेगी आपकी और इसका जो ग्राफ बनेगा इस प्रकार से बनेगा पहले वाले का दूसरा है टाइम वेलोस्टी ग्राफ तो इसमें देखिए नीचे की जो एक्स एक्सीज है इसमें आपको टाइम रिप्रेजेंट करना है वाई एक्सीज पे यहाँ पे वेलोस्टी हो जाएगी ऊपर की तरफ इसका जो ग्राफ बनेगा ये बनेगा इस टाइप से नेक्स्ट जो है यहाँ पे है टाइम डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे सेम इधर अपना टाइम रहेगा नीचे की तरफ जो एक्स एक्सीज है इधर वाई एक्सीज के ऊपर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है एक्स ऊपर की तरफ और इसका जो ग्राफ बनेगा इस प्रकार से थोड़ा सा करो क्वेश्चन ट्वेंटी सेवन ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का जो है टू पार्टिकल है उनका जो है एक्सप्रेशन ड्रॉ करना है तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ आप बुक की सहायता ले सकते हैं एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू प्लस एम थ्री आर थ्री और डिवाइड में आएगा आपका एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री क्वेश्चन ट्वेंटी एट वाट इज मोमेंट ऑफ इनर्सिया मोमेंट ऑफ इनर्सिया क्या है आंसर है मोमेंट ऑफ इनर्सिया इज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ एवरी पार्टिकल विद इट्स स्क्वेयर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन और इसको बोलते हैं जैसे काइनेटिक एनर्जी यानी कि रिलेशन बताना आपको काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंट ऑफ इनर्सिया के बीच में तो काइनेटिक जो एनर्जी होगी इसका फॉर्मूला होगा हाफ एम वी स्क्वायर और अगर यहाँ पे इसने पूछा है मोमेंट ऑफ इनर्सिया में क्या बनेगा तो ये बनेगा हाफ आई और मोमेंट का मतलब है ओमेगा ओमेगा स्क्वायर तो ये फार्मूला हो जाएगा के लिखने की आपको जरूरत नहीं है अगर आप इतना लिखना चाहें ई इज़ इक्वल टू हाफ आई ओमेगा तो ये भी क्या आपका राइट right. नेक्स्ट है क्वेश्चन ट्वेंटी नाइन स्टेट कैपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन इसको एक्सप्लेन करना है तो इसमें सबसे पहला है प्लेनट्स मूव इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स विद द सन एज ए फोकस सेकेंड पॉइंट है प्लेनट कवर्स द सेम एरिया ऑफ स्पेस इन द सेम अमाउंट ऑफ टाइम नो मैटर वेयर इट इज इन इट्स ऑर्बिट एंड और थर्ड है ए प्लेनिट्स ऑर्बिटल पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ ऑर्बिट इसी के और में एक और क्वेश्चन दे रखा है वट इज ऑर्बिटल वेलोस्टी ऑर्बिटल वेलोस्टी क्या है इसको एक्सप्रेशन जो है ड्रा करनी है तो वेलोस्टी ऑफ ए सैटेलाइट मूविंग इन द ऑर्बिट इज कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोस्टी यानी कि वेलोस्टी ऑफ ए सैटेलाइट मूविंग इन ऑर्बिट्स। यानी कि सैटेलाइट की वो वेलोस्टी जिसकी सहायता है ऑर्बिट के अंदर जो है मूव कर रहा है उसी को बोलते हैं हम ऑर्बिटल वेलोस्टी यहाँ पे आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपने सुना होगा वेलोस्टी स्केप वेलोसिटी जो होती है ये क्या होती है किसी भी जो प्लेनेट है या कोई भी जो स्टार है उससे बाहर निकलने के लिए जो एनर्जी जरूरत पड़ती है जिसकी यानी कि कोई भी हैविली जो बॉडी है एक्स एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे प्लेनेट इससे अगर बाहर निकलना है इसके एटमोसफेयर से यानी कि जहाँ पे जो ग्रेविटी का जो काम है वो ख़त्म हो जाता है तो उसके लिए अगर अर्थ से अगर किसी चीज़ को बाहर निकलना है कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर अर्थ से बाहर भेजना हमें स्पेस में तो उसके लिए कितनी स्केप वेलोसिटी होनी चाहिए जिससे वो पृथ्वी से बाहर निकल जाए तो इसका जो आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं इसी में ट्वेंटी नाइन में अब यहाँ पे देखिए ड्राइव एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन नोट करना है तो ये आप खुद ड्राइव कर लीजिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट जो है फॉर्मूला लिख देता हूँ एक्सप्रेशन वी नोट जी एम अपॉन आर प्लस में एच ये जो है और इसका स्क्वायर रूट ये फॉर्मूला रहेगा क्वेश्चन थर्टी व्हाट इज एडियाबेटिक प्रोसेस ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है The एडियाबैटिक प्रोसेस इज डिफाइंड एज द थर्मोडाइनमिक प्रोसेस इन विच देर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ heat फ्रॉम द सिस्टम टू its सराउंडिंग ना इधर ड्यूरिंग एक्सपेंशन नो ड्यूरिंग कंप्रेशन यानी कि जिसमें जो हीट है वो एक्सचेंज नहीं होती इसी को बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस इसका अगर एक्सप्रेशन की बात करें तो यह होता है डब्लू इज इक्वल टू पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन डिवाइड में वन माइनस में गामा इसी की ओर में एक और क्वेश्चन है व्हाट इज आइसोथर्मल प्रोसेस इसका भी जो वर्कडंड एंड आइसोथर्मल प्रोसेस का एक्सप्रेशन लिखना है ड्रा करना है सबसे पहले बात करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है आइसोथर्मल प्रोसेस इज ए थर्मोडाइनमिक प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम रिमेन कॉन्स्टेंट यानी कि इसके अंदर जो टेम्परेचर रहेगा वो रहेगा कॉन्स्टेंट ये चेंज नहीं होगा द ट्रांसफर ऑफ हीट इन और आउट ऑफ द सिस्टम हैपन सो स्लोवली दैट थर्मल इक्विलीबीज में इसके एक्सप्रेशन की बात करें तो यह होता है डब्ल्यू इज इक्वल टू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर टी लॉग टेन वी टू अपॉन वी वन नेक्स्ट है सेक्शन डी इसमें थर्टी वन का क्वेश्चन है ए प्रोजेक्टाइल इज शोन एट एन एंगल थीटा फ्रॉम द horizontal with विद u under यू gravitational द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ फाइंड द of टाइम ऑफ maximum एंड मैक्सिमम हाइट इसको ड्राइव करना है तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ ड्राइव आप खुद कर लीजिए एच इज इक्वल टू यू स्केयर साइंस केयर थीट्टा अपोन में टू जी की जगह जो है यहाँ पे कई बार इस सिंबल का भी यूज कर लेते हैं ये ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर रहेगा इसी के ओर में यहाँ पे एक और क्वेश्चन दे रखा है लॉ ऑफ ट्रेंगुलर वैक्टर एडिशन एंड prove एक्सपेंशन ऑफ द फॉर्मूला ऑफ रिजल्टेंट ऊपर वाला जो क्वेश्चन है उसमें हमने जो है क्या बात कर ली एच की यहाँ पे हाइट की मैक्सिमम हाइट की बात की थी यानी कि एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में टू जी अब यहाँ पे टाइम की बात और की जा ये टाइम का फॉर्मूला क्या बनेगा तो टाइम इज इक्वल टू टू यू साइन थीटा अपॉन में जी ठीक है ये जो है टाइम का फॉर्मूला रहेगा अब इसी के ओर में दूसरा क्वेश्चन है ये आप बुक की सहायता से कर सकते हैं बाकी मैं आपको इसका डायरेक्ट फार्मूला बता देता हूँ आर इज इक्वल टू ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस टू ए बी कोस थीट्टा ये डायरेक्ट इसका फॉर्मूला रहेगा क्वेश्चन थर्टी टू आपको प्रूव करना है बर्नोली थोरम और याद रखना ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज़रूर एग्जाम में पूछा जाता है राइट एंड प्रूव बर्नोली थ्योरम इसको जो है प्रूव करना है तो आप बुक की सहायता यहाँ पे ले सकते हैं मैं डायरेक्ट आपको फार्मूला बताता हूँ पी प्लस वन बाई टू प्लस में यहाँ पे देखिए ये जो अपना फॉर्मूला रहेगा थोड़ा इसको अच्छे से जो है समझ लीजिए बाकी अगर डिटेल में अगर आपको जानना है तो आप बुक की सहायता जो आप ले सकते हैं इसी के और में एक और क्वेश्चन है स्टेट एंड न्यूटनस लॉ ऑफ कूलिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को यहाँ पे जो आपको प्रूव करना है तो पहले सबसे पहले डिफाइन करते हैं न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग स्टेट्स दैट द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट कूल्स इज प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट्स सराउंडिंग प्रूफ और डेरिवेशन के लिए आप बुक की सहायता ले सकते हैं क्वेश्चन थर्टी थ्री वट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन स्टेट द लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन आंसर लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डिस्क्राइब्ड एज द फ्रिक्शन क्रिएटेड वेन टू स्टेटिक्स सरफेसिस कम इन टू कॉन्टेक्ट विद ईच अदर यानी कि जब स्टेटिक सरफेस जो होते हैं जब एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में आते हैं तभी ये जो फ्रिक्शन ये क्रिएट होता है लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात करें तो देखिए सबसे पहला द डायरेक्शन ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन सेकेंड पॉइंट इट ऑलवेज एक्स टेंजेंशियल टू द टू सरफेसिज थर्ड इट इज डिपेंडेंट ऑन द मटीरियल एंड नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट फोर्थ पॉइंट इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड एरिया यहाँ पे जो है ये क्या जाएगा डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट नहीं डिपेंडेंट डिपेंडेंट ऑन द शेप एंड एरिया इसी के ओर में यहाँ पे प्रूव करना है रिलेशन बिटवीन कोफिशियंट ऑफ स्टेटिक फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ ए फ्रिक्शन ये आप खुद जो है ड्राइव कर सकते हैं नेक्स्ट चलते हैं आगे सेक्शन ई सेक्शन ई स्टार्ट हो गया इसमें थर्टी फोर का ऊपर जो हिंदी में दे रखा नीचे देखिए इंग्लिश में है इसको आप पढ़ लीजिए सबसे पहला है एन ए ए डायो एटोमिक मोलिक्यूल हैज डिग्री ऑफ फ्रीडम तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी हो जाएगी फाइव डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा सेकंड क्वेश्चन है द मोलिक्यूल ऑफ ए मोनो एटोमिक गैसिज ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कमेंट में आपको जो मुझे इसका आंसर बताना है अगर आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे तो आपको यह समझ में आ जाएगा इसका आंसर क्या है इसका आंसर आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे ये क्वेश्चन मैं आपसे इसलिए पूछ लिया हूं, ताकि मुझे पता चले कि आप वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं बाकी मैं आपके लिए थोड़ा सा जो इसको आसान कर देता हूँ सी और डी ऑप्शन को काट देता हूं अब आपको ए और बी में से जो है एक आंसर है अगर आपको फिर भी ये क्वेश्चन नहीं आता है तो भी आप मुझे कमेंट कीजिए मैं आपको कमेंट में इसका राइट आंसर बता दूंगा थ्री का है डिग्री ऑफ फ्रीडम इसको डिफाइन करना है तो आंसर है द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वे इन विच ए मोलिकुल ऑफ गैस कैन मूव इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ फ्रीडम स्टेट लॉ ऑफ इक्वी ऑफ एनर्जी आंसर द लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी स्टेटमल एनर्जी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्वेश्चन थर्टी फाइव ऊपर इंग्लिश में दिया गया ऊपर हिंदी में दिया गया नीचे देखिए यहां पर इंग्लिश में दे रखा है तो इंग्लिश में जो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट सबसे पहले आप उसको जो है पढ़ लीजिए यहाँ पे पॉइंट देखने को पढ़ लीजिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फोर्स द रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स इज तो ये क्या हो जाएगा पीरियोडिक ऑप्शन राइट थर्ड पार्ट है वट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है सिंपल हार्मोनिक मोशन इज डिफाइंड एज ए पीरियोडिक मोशन ऑफ ए पॉइंट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन सच दैट इट्स एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टू वर्ड्स ए फिक्सड पॉइंट इन दैट लाइन एंड इट्स प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट इसी के और में एक क्वेश्चन है कि वट इज सेकेंड पेंडुलम से पेंडुलम वट इज द लेंथ ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम आंसर सेकेंड्स पेंडुलम ए पेंडुलम रिक्वायरिंग एग्जैक्टली वन सेकेंड फॉर ईच स्विंग इन आई आईदर डायरेक्शन और टू सेकेंड्स फॉर ए कम्प्लीट वाइब्रेशन एंड हैविंग ए लेंथ बिटवीन सेंटर्स ऑफ सस्पेंसन अगर इसकी ओसिलेशन की बात करें हो जाएगा 99.353 सेंटीमीटर और अगर मीटर में बात करें तो आप लिख सकते हैं पॉइंट मीटर जीरो लगा के यहां तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें मैंने आपसे वीडियो के बीच में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि अर्थ के लिए जो स्कैप वेलुस्टी होगी इसकी वैल्यू क्या होगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना स्कैप वेलुस्टी का मतलब होता है कि अर्थ के एटमोसफेयर यानी कि ग्रेविटेशनल से बाहर भेजने के लिए इसकी कितनी वेलिस्टी होनी चाहिए और भी वीडियो देखनी है तो यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं यदि आप मुझे फोस फेसबुक इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं यदि आपको पी डाउनलोड करनी है तो इस कोने में आपको वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग